अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयं भू कोई आदमी नेता बना हुआ है, जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है। ये आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे हैं, मैं 10 बार कह चुका। देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि आप प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे दल के लिए, भले ही वो आपके साथ सरकार में हिस्सेदार हो, उसके लिए खुला छोड़ दो, तो नुकसान खुद का है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह के पेट में दर्द, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, ऐसा कौन सा दर्द कर रहे हैं जी? मानी खान साहब महोदय, आपने आज जो सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई, इसका एक तकमा आपके जेजेपी बीजेपी गठबंधन के नेता ने दिया है। गुमशुदा सांसद कहाँ है बीजेपी के, तो उनमें से आप भी एक है, इस पर क्या टिप्पणी करें? देखो, ये टिप्पणी अगर किसी एमपी एमएलए ने या दी होती तो मैं इसका जवाब देना उचित समझता। अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयं भू कोई आदमी नेता बना हुआ है, जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति के बात का जवाब देना मैं कोई ज़्यादा उचित नहीं समझता। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, एक 1.5 साल का पीरियड ज़रूर था जिसमें जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों से एक संपर्क होता है, उसमें कमी बिल्कुल आई थी, और उसका कारण कोरोना था, और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला, जो शायद सबसे ज़्यादा तीव्र जो है हमारे क्षेत्र में और हमारे आसपास के भिवानी और जींद साइड में जो इलाके लगते हैं, ये उसका उसकी धुरी थी। तो हाँ, वो करीब 1.5 साल का समय ज़रूर था जिसमें लोगों से जो एक मेल मिलाप होना चाहिए, उसमें बहुत कमी आई थी। बट अन्यथा अब तो पिछले 1.25 साल से, पिछली मार्च से मेरे ख्याल से, तो मैं निरंतर ही अपने हल्के में हूँ, तो यदि गुमशुदाओं में मेरी गिनती है, मेरे ख्याल से मेरा नाम हट जाना चाहिए वहाँ से। आपका गठबंधन है आपकी पार्टी का? हाँ है। तो ये रहना चाहिए क्या फिर उन्हें? अभी तक तो है। क्या कितने संभावना? ये आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे हैं, मैं 10 बार कह चुका। देखिए मेरा मानना ये है कि यदि आप प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे दल के लिए, भले ही वो आपके साथ सरकार में हिस्सेदार हो, उसके लिए खुला छोड़ दो, तो नुकसान खुद का है। पिछले दिनों दिल्ली में भी आपकी बैठक हुई थी, सारे एमपी साहब के साथ नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं उसमें इंग्लैंड चला, उसी दिन मैं बाकी सब सांसद को छोड़ के बाकी सभी तकरीबन ये कहा कि जितने जल्दी ले लेंगे फैसला सही रहेगा। आप कितना इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, बल्कि ये सारी जो क्या बोलूँ, गर्मी के मौसम में जो और गर्मी चढ़ी, ये शुरुआत ही वहीं से हुई थी। उछाणा में जो एक कार्यक्रम हुआ था उसके बाद ये और देखिए, कई बार राजनीतिक क्या बोलें, पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम इस समझौते से बड़े खुश हैं। ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की? जो मजबूरी यही है जी, सरकार चलानी थी, और ये चीज़ तो सब कहते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र से भी दूसरी उम्मीद तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र है, इलेक्शन साल बाद आने हैं, तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत क्या बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं? शायद हमारी मदद करने के लिए कर रहे हैं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे इलाके में धरने चल रहे हैं निरंतर, 150-150 दिन से लोग बैठे हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। आश्वासन जरूर देके आते हैं, कोई तो कहता है कि हमारे चुनाव चिन्ह इसमें वोट दे देना तब हम रास्ता खुलवाएंगे। सरकार निरंतर आप लोग जो वहाँ से ठपते देख रहे हैं, तलवंडी है, आज़ाद नगर बैठे हैं, अब बरवाला में जैसे वहाँ के पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं कि वो कहते हैं कि विकास कार्य के लिए प्रशासन ने मना कर दिया, पंचायत की जमीन पर वो लोग बैठे हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों के मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने बरवाला का जिक्र किया, हालांकि स्थिति तो ये 70 साल से है बरवाला की, लेकिन आज के दिन वो उभर के आ गई। तो कई बार जो प्रशासन है उसका हाथ तंग हो जाता है, क्योंकि जानबूझ के यदि अनियमितता हो तो उसमें फिर जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी मेरी सारे अधिकारियों से बात हुई है, यहाँ के कमिश्नर से भी बात हुई है,
डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और बल्कि आज शायद जो हमारे चेयरमैन हैं रमेश जी वो चंडीगढ़ जा रहे हैं और मेरे ख्याल से डीजी अर्बन लोकल बॉडीज से उनकी बात होगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से इसको इस स्थिति को ठीक किया जा सके, उसका एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से यहाँ से सरकार को भेजा जाए, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की उम्मीद। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह के पेट में दर्द की दवा मेरे पास नहीं है, ऐसा कौन सा दर्द है? नहीं, उसने ना तो मेरा नाम लिया है, उसने तो तीन लोगों के पेट के दर्द की बात की थी। अब वो आपके ऊपर है किन किन के पेट में दर्द है। हॉट सीट उचाना बनती जा रही है तो फिर तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हॉट सीट उचाना बनती थोड़ी जा रही है, वो तो कभी से है। वो यदि आप बड़े मुकाबलों की बात करो तो 2009 से तो है ही। तो ठीक है, हमारे 5 चुनाव हो लिए आपस में, 3 हम जीत लिए, 2 से ये पूछ लो कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। चलो मेरे असल में ना दिशा की मीटिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद। हक में बोल रहे हैं।